नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसा कि आपको पता ही है कि 2020 में यूपीएससी के जो परीक्षा हुई थी उसमें एनसीआर में बहुत सारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए थे और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसी में ही एक गुड़गांव जिले के सोहना से गाँव है खेड़ला, एक छोटा सा गाँव है, वहाँ के रहने वाले परीक्षित खटाना ने भी इसे यूपीएससी परीक्षा में इस बार बाजी मार ली है। हालांकि उन्होंने एक बार और ट्राई किया था लेकिन उस बार वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम में अपना स्थान प्राप्त करके सफलता हासिल करके न केवल गुर्जर समाज को उन्होंने उनका नाम रोशन किया है बल्कि पूरे गुड़गांव जिले का देश में नाम रोशन किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पत्रकार अशोक गर्ग के पास, जिन्होंने परिचित खटाना जी से मुलाकात कर उनसे अपना उनका जो एक्सपीरियंस जो है जाना उनका। था मेरा 2010 में आया, जब मैंने 10वीं परीक्षा पास करने के बाद आईएएस को एक सीरियस थॉट दिया। ये मेरे दादाजी का भी स्वप्न था कि उनके, क्योंकि वो किसान परिवेश से आते थे, कि उनके परिवार में एक बच्चा अधिकारी बने। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने आईएएस की परीक्षा के लिए दिया। ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहली बार में मैंने इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई किया था बट फाइनल इसमें नाम लिया। कितने साल तक तुमने प्रयास करे इस मैरन में? ये मेरा पिछले 3 साल से मैं इस तैयारी में जुटा हुआ था, जिसमें पहली दफ़ा भी मुझे सफलता मिली लेकिन अंततः मेरा नाम नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। इस बार मैंने फिर से तैयारी में अपनी जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको पहचाना और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की, जिसके ईश्वर की कृपा से मेरा नाम इस बार। सफलता में किसका सहयोग मानते हो? इस सफलता में मेरे परिवारजन का, मेरे माता पिता का, खास करके मेरी माता जी का बहुत सहयोग है, क्योंकि वे मेरे साथ रहीं और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस पूरी जर्नी में। अब तुम आईएएस में बन गए हो, आप उसमें सीट पर बैठने के बाद तुम्हारी सोच क्या होगी मेरे लोगों के प्रति काम कराने की? देखिए, आईएएस का पद एक ऐसा है जिससे हम छोटे से छोटे इंसान से लेकर के बड़ी से बड़ी पॉलिसी मेकिंग का जो पूरा एक कार्यशैली है उसमें हमारी भागीदारी होती है। तो मेरा लक्ष्य होगा कि जो हमारे संविधान के जो विचार है, जैसे समानता का और सामाजिक न्याय का जो एम है संविधान का, मैं उस पर खरा उतर सकूँ, उसका पूरा कर सकूँ। यही मेरा मेन मोटिव होगा, यही मेरी मेन उद्देश्य होगा। अब आपको कितनी खुशी हो रही है, मतलब आपने सफलता प्राप्त की, अच्छे रैंक लेकर? इस बात की काफ़ी खुशी है। एक खुशी तो इस बात की है कि इसकी वजह से जो मेरे दादाजी का जो स्वप्न था वो पूरा हुआ, उसके बाद मेरे परिवारजन, मेरे गाँव में, मेरे एरिया में सब लोग काफ़ी खुश है इस बात से। दूसरी खुशी की बात यह है कि इसके थ्रू मुझे सोशल सर्विस करने का, जो एक समाज के प्रति जो मेरी जो एक निष्ठा है, जो मेरा कार्य करने का जो जज्बा है, उसको पूरा करने का मुझे मौका मिलेगा। आपने शुरुआत पब्लिक स्कूल से करी थी, हाँ जी। आप जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे क्लास हो, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यही होगा कि मेहनत करते रहें, मेहनत कभी ना कभी परिणाम जरूर आता है। मेहनत ये एक लंबी जर्नी हो सकती है बट अंततः जो परिणाम आएंगे वो काफ़ी सुखद होंगे। युवा साथी हैं, उनकी सोच बदलेगी या नहीं? जी, डेफिनेटली बदलेगी सोच, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉजिटिव कदम उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके इस पूरे एरिया में जो हमारा सोहना का जो क्षेत्र है, इसमें मुझे उम्मीद है कि लोग इसकी तरफ जाएंगे और शिक्षा को बहुत सीरियस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। याद है आईएएस करने वाले परीक्षित खटाना के ताऊजी अम्पाल जी खटाना, उनसे बात करते हैं कि बच्चे ने जो परीक्षा करी उसमें आपको क्या खुशी महसूस हो रही है? आज इतनी बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं जी, एक इलाके के अंदर इतनी भारी संख्या में लोगों का खुशी से झूम उठा इलाका, और हमारे भी, क्योंकि हम किसान के घर से बिलोंग करते हैं, और अपार खुशियों से पूरा क्षेत्र, पूरा गांव, पूरी देहात, मतलब आकर के हमें प्रोत्साहित कर रही है। आप गांव के लोगों को, युवा साथियों को क्या संदेश दोगे? हम उनको ये संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो, जैसा इस बच्चे ने काम किया, तुम भी उनके पदचिन्हों पर चलो और आगे बढ़ो। हमारे साथ हैं परीक्षित खटाना आईएएस अधिकारी, उनके पापा श्री पूर्व सरपंच कम्मी खटाना जी, उनसे बात करते हैं। बेटे के लिए जैसे भी हमारे पास जो भी साधन थे, चाहे वो शिक्षा के, ट्रांसपोर्ट के या रहने के, जो भी बुक्स थी, वो हमने जैसी हमसे बन पड़ी, जो भी परिषद ने डिमांड रखी, इसके मुताबिक ही हमने उनको। हिसाब से आपने बच्चे के प्रति सोचा कि बच्चा हमारा बड़ा होकर आईएएस की तैयारी करे? एक माता पिता को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? गर्व से मेरा सीना चौड़ा है, पेरेंट्स होने के नाते पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे देश का, मेरे ब्लॉक का
जो नाम ऊंचा किया है, 36 बिरादरी का नाम ऊंचा किया, तो इससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं। जो आपने जीवन में सोची कि मेरा सपना साकार हो, वो आपको सपना साकार हो गया, इसके बारे में क्या कहना? ये तो मुरारी की कृपा थी। जब मुरारी का जन्म हुआ, जेल में हुआ, वासुदेव लेके चल दिए जमुना को, जमुना माँ भी वो देखी थी, तो ये तो परमात्मा की कृपा, उसकी अपार है, राधा माँ की और मुरारी की। और जो आपके परिवार के और बच्चे हैं और अपने रिश्तेदार थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहोगे? वो तो परीक्षा तो उनके लिए एक मॉडल है, पूरे क्षेत्र के लिए मॉडल है, पूरे यार रिश्तेदारों के लिए मॉडल है। इससे बच्चे नौ पे चलें, मेहनत करें, सेक्रीफाइस करें, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती। सब उसी काम का पानी पी रहे हैं, उसी खेत का अनाज खा रहे हैं, उन्हीं छत के नीचे रह रहे हैं, जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 मेरा चैनल जो मेरा नहीं है वो सब आपका है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना, ताकि कोई भी न्यूज़ आपको।